हे गाइस, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। हमारे देश के मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रोहतांग टनल का नाम बहुत ही जल्द चेंज होकर अटल टनल हो जाएगा। ये डिसीजन लिया गया है 25 दिसंबर 2019 को। आई एम श्योर आपको पता होगा 25 दिसंबर बर्थ एनिवर्सरी है हमारे देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी जी की। तो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि रोहतांग टनल या फिर अटल टनल खास क्यों है और ये कब तक बनके तैयार हो जाएगी। सो लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर यू बिगिन, यूपीएससी 2020 की तैयारी आप घर बैठे या कहीं भी कर सकते हैं विद आर पेन ड्राइव कोर्सेज। इन कोर्सेज पर सेल चल रही है, फ्लैट 70% मैसिव सेल है। सेल का फायदा उठाने के लिए जाइए studyiq.com पे या फिर आप इस नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। याद रखिएगा 25 दिसंबर लास्ट डेट है ऑफ द क्रिसमस सेल। ये जो टॉपिक है यूपीएससी पर्सपेक्टिव से मैं कहूंगा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है अंडर जीएस पेपर 3 सबसेक्शन इंफ्रास्ट्रक्चर, क्योंकि काफी बार यूपीएससी मेंस में जो एनर्जी से रिलेटेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जो आपके पोर्ट्स होते हैं, सड़कें, एयरपोर्ट, रेलवेज, उनसे सवाल पूछता है। सो यू शुड नो अबाउट ऑल द मेगा प्रोजेक्ट्स। नाउ अगर हम बात करें रोहतांग टनल या फिर अटल टनल की, तो ये दुनिया की सबसे लंबी टनल होगी 10,000 फीट की ऊंचाई पर। ऑल टुगेदर दुनिया की सबसे लंबी टनल तो नहीं होगी, मगर इस हाइट पर इतनी लंबी हाईवे टनल अब तक नहीं बनी है। टोटल इसकी लेंथ है 8.8 किलोमीटर। अभी ये प्रोजेक्ट तैयार हुआ नहीं है, माना जा रहा है कि सितंबर 2020 तक ये तैयार हो जाएगा। ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ दिसंबर 2019 में। रोहतांग टनल इज अंडर कंस्ट्रक्शन टू कनेक्ट विलेजेस इन लाहौल एंड स्पीति इन हिमाचल प्रदेश एरिया। ये जो पूरा प्रोजेक्ट है आपको हिमाचल प्रदेश स्टेट में मिलेगा और इसको बनाया जा रहा है पीर पांजाल रेंज के अंडर। नाउ जब मैं कहता हूँ पीर पांजाल रेंज, इसका अर्थ क्या है? यहाँ पे आपको दो यूनियन टेरिटरीज जम्मू कश्मीर और लद्दाख दिख रही होगी। नाउ यहाँ पे आप देख रहे हो, यहाँ पर लिखा हुआ है काराकोरम रेंज। ये पहाड़ों की रेंज है जो आपको इंडियन एरिया में, इंडियन जमीन पर इस जगह पर मिलेगी। इसके नीचे आती है ग्रेट हिमालयन रेंज और उसके नीचे तीसरे स्पॉट पे आपको मिलेगी पीर पांजाल रेंज, जो इंडियन लैंड में यहाँ से लेकर यहाँ पे हिमाचल प्रदेश के एरिया तक ये फैली है। तो जो ये हमने सुरंग बनाई है या जिसपे हम काम कर रहे हैं, ये जो पहाड़ों की रेंज है ना, यहाँ पे पीर पांजाल रेंज, इस पे बनाई है। पीर पांजाल रेंज के पहाड़ों को खोद कर एक सुरंग हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नाउ हिमाचल प्रदेश स्टेट मैप में है कहाँ पर प्रिसाइसली, ये भी देख लो। यहाँ पे आप देखोगे दिस इज द हिमाचल प्रदेश स्टेट और राजधानी है स्टेट की शिमला। यहाँ पे जो ये नॉर्दर्न पार्ट है ना, यहाँ पे हमने बनाई है ये टनल, काम चल रहा है इस पर। इससे देखिए फ़ायदा ये होगा कि आप बहुत ही आसानी से इस एरिया से, मतलब के सदर्न या फिर मिडल पार्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश से, आप लद्दाख के लेह रीजन तक बहुत ही आसानी से पहुँच पाएंगे। ये टनल कुछ हद तक ऐसे काम करेगी। यहाँ पर आप देखोगे अभी के लिए, यहाँ पे आप देख रहे हो इस एरिया में हिमाचल प्रदेश का जो नॉर्दर्न पार्ट है, यहाँ पे एक पास एग्जिस्ट करता है, मतलब के जो पहाड़ों की रेंज है वहाँ पे एक बहुत ही नैरो सा रास्ता है जिसको हमने नाम दिया है रोहतांग पास। नाउ जो रोहतांग पास है काफ़ी उबड़ खाबड़ है, बहुत सारी इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स है, काफ़ी टाइम लगता है। आप खुद ही इमेजिन करिए, आप अगर मान लो इस एरिया में है, यहाँ से आपको यहाँ पे जाना तो कितने आपको टर्न्स लेने हैं, कितने मोड़ लेने हैं। उसके अलावा ये जो पूरा पास है ये एलिवेटेड है, मतलब के ऊंचाई पर है। अभी आपको मैप पे सब कुछ प्लेन दिख रहा है, मगर जो ये एरिया है ये काफ़ी हद तक ऊंचा है। तो इसकी वजह से आपको अगर हिमाचल प्रदेश से लद्दाख यूनियन टेरिटरी में जाना है तो ऑब्वियसली आपको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा। हम यहाँ पे काम कर रहे हैं रोहतांग यानी अटल टनल पर, ताकि ये जो डिस्टेंस है काफ़ी छोटा हो सके। डायरेक्टली आप यहाँ पे हैं, सीधा आप यहाँ से लेकर यहाँ पे ट्रैवल कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये टनल साल के 365 दिन खुली रहेगी, यहाँ पर विंटर का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। रोहतांग पास के साथ क्या होता है कि दिसंबर और नवंबर के आसपास की जो ठंड होती है उसमें काफ़ी बार ये पास ब्लॉक हो जाता है, यहाँ से कोई भी पास नहीं कर पाता। उससे जो इस एरिया में बहुत सारे जो विलेजेस हैं वो कम्प्लीटली डिपेंडेंट हो जाते हैं हेलीकॉप्टर सर्विसेज पे, जो उनको बेसिक कम्युनिटीज प्रोवाइड करती है। नाउ एक बात मैं आपको क्लियरली बता दूं कि जो रोहतांग टनल है इसको कन्फ्यूज मत कर लेना जोजिला टनल से। इसके बारे में भी आपने सुना होगा, जो जोजिला टनल है वो इस तरीके से श्रीनगर को लेह से कनेक्ट करेगी और उसका कोई भी रिलेशन नहीं है हिमाचल प्रदेश से। नाउ जो ये पूरा प्रोजेक्ट है इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। जब से इन्होंने पावर संभाली है तब से पूरे प्रोजेक्ट पे नज़र है डायरेक्टली फ्रॉम द प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस।
और इसका एक रीज़न भी है। देखो ये जो टनल है सिर्फ एक सुरंग नहीं है, पहली बात तो इसकी जो लेंथ है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, और इस टनल के अंदर भी बहुत सारा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर मिलेगा, जैसे कि हर 150 मीटर्स की दूरी पर एक टेलीफोन की सुविधा यहाँ पर अवेलेबल होगी, यहाँ पे हर 60 मीटर्स में मिलेगा आपको एक फायर हाइड्रेंट, इमरजेंसी एग्जिट मिलेगा आपको यहाँ पे हर 500 मीटर में, एक टर्निंग कैवर्न भी होगा आफ्टर एवरी 2.2 किलोमीटर्स, एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग होगी हर 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे। फिर इस पूरी टनल में बहुत सारे सीसीटीवी कैमरास हैं ताकि कभी भी कुछ एक्सीडेंट होने के चांस हो, कुछ भी यहाँ पे अगर मान लो छोटा सा भी इवेंट होता हो तो वो ज़्यादा कैटेस्ट्रॉफिक ना बने, उससे पहले ही उसको रोक लिया जाए, उसके लिए 24 आवर्स यहाँ पे सर्विलेंस होगी इस पूरी टनल की, और जो मैक्सिमम स्पीड लिमिट होगी इस टनल की वो होगी 80 किलोमीटर पर आवर। एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि यहाँ पर हर दिन 3000 पेट्रोल कार्स और 1500 ट्रक्स गुजरेंगे। नाउ इस टनल को बनने में आप अगर सोचकर देखें तो टोटल 30 साल लग गए हैं। 30 साल कैसे? क्योंकि 1990s में पहली बार एक फीसिबिलिटी स्टडी करी गई, मतलब कि एक स्टडी करी गई ये देखने के लिए कि ऐसा प्रोजेक्ट क्या पॉसिबल है, क्या हम ऐसी टनल बना भी सकते हैं या नहीं। तो ये स्टडी हुई 1990 में। उसके बाद जियोलॉजिकल रिपोर्ट सबमिट हुई कि यहाँ पे अर्थक्वेक का खतरा तो नहीं है या फिर और कोई खतरा तो नहीं है, क्या यहाँ पे जेन्युइनली एक टनल पॉसिबल है या नहीं। ये होने में 4 साल और लग गए। उसके बाद इसका डिज़ाइन बना और स्पेसिफिकेशंस की रिपोर्ट सबमिट हुई, इसमें 2 साल और लग गए। फिर हम आ गए 1996 में, और फाइनली सरकार को इसको अप्रूवल देने में 7 ईयर्स और लग गए, और 2003 में इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल मिली, और फिर टेंडर निकाले गए, कुछ और टाइम वेस्ट हुआ, और फिर 7 साल और बीत गए। उसके बाद 2010 में इस पूरे प्रोजेक्ट का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, और इनिशियली सोचा गया कि ये जो पूरा प्रोजेक्ट है 2015 तक कंप्लीट हो जाएगा, मगर अब कह रहे हैं कि ये प्रोजेक्ट मोस्ट प्रॉबली 2020 सितंबर 2020 तक कंप्लीट हो जाएगा। इसका एक रीज़न ये है क्योंकि देखो 2015 के आसपास जब यहाँ पे खुदाई हो रही थी तो अचानक से यहाँ पे वाटर लीकेज स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से जो आगे खुदाई का काम है काफ़ी मुश्किल हो गया, तो उसकी वजह से मैं कहूँगा 2 से लेकर 3 साल हमारे वेस्ट हो गए। नाउ ये जो टनल है जिसमें हम टोटल 3,800 करोड़ रुपए के आसपास खर्च रहे हैं, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? देखिए दो तरीके से ये प्रोजेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो सिविलियंस के लिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो लोग सर्दी के टाइम में बिल्कुल कट जाते थे रेस्ट ऑफ इंडिया से, उनकी कनेक्टिविटी अब साल के 365 दिन बनी रहेगी विद द एंटायर इंडिया। उसके अलावा आप अगर एक मिलिट्री के दृष्टिकोण से देखें तो रोहतांग पास सहूलियत प्रोवाइड करता है हमारी मिलिट्री को कि वो बहुत ही जल्दी से लद्दाख यूनियन टेरिटरी में पहुंच पाए, क्योंकि आज के टाइम में आर्मी के बहुत सारे इंपॉर्टेंट बेसिस हैं उत्तराखंड में, पंजाब में, हिमाचल प्रदेश में। तो मान लीजिए हाइपोथेटिकली स्पीकिंग कल को हमें बहुत सारी इन्फेंट्री की आवश्यकता है, तो वह जो ऐसे पासिस हैं उनकी मदद से बहुत ही जल्दी से जो हमारी आर्मी है यहाँ पे लद्दाख यूनियन टेरिटरी यानी अक्साई चीन के पास खड़ी हो सकती है। सो ये था एनालिसिस रोहतांग टनल यानी अटल टनल का। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।